भाई वॉशिंगटन सुंदर ने तो आज कमाल कर दिया। कुछ भी कहो, बंदे ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी। टोटल उसने आज के मैच में 7 विकेटें ली हैं और 7 विकेटों में भी 5 उसने बोल्ड मारे हैं। मतलब उसे 5 विकेटें लेने के लिए तो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अंपायर तक की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने पाँचों के पाँचों बोल्ड मारे थे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच की। आज से सेकेंड टेस्ट मैच शुरू हुआ है, पहला दिन का खेल जो है समाप्त हो चुका है। मैच था आज का जो है पुणे में। न्यूजीलैंड के टॉम लेथन जो कि कैप्टन है, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, यानी कि पहले बैटिंग चुनी। न्यूजीलैंड की टीम ने जो है 259 रन्स बनाए और वो ऑल आउट हो गए। दोस्तों, इंडिया की जो टीम थी उसका मैं आपको विवरण दे दूं। इंडिया की टीम ने जो है 5 बॉलर्स खिलाए थे, जिसमें कि 2 पेसर्स यानी कि अपना बुमराह और सिराज पिछले मैच में खेले थे, इस मैच में उनकी जगह खेले आकाशदीप, और उसके अलावा रविंद्र जडेजा, अश्विन, और पिछली बार खेले थे कुलदीप यादव, तो उनकी जगह इस बार खिलाया गया वॉशिंगटन सुंदर को। दोस्तों, शुरू शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना जो है वो गलत डिसीजन है मेरा। क्या काफ़ी सारे जितने क्रिकेट एनालिस्ट हैं उन सबका यही मानना था कि कुलदीप इस पिच पे ज़्यादा घातक होते, लेकिन वॉशी ने हम सबको जो है गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने दोस्तों जिस तरीके से 7 विकेट लेना, वो किसी भी ऑफ स्पिनर के लिए डिलाइट है, और हम जैसे दर्शकों के लिए, हम जैसे क्रिकेट एनालिस्ट के लिए तो देख के वैसे ही मजा आ जाता है कि इतने खूबसूरती से उन्होंने विकेट ली हैं। अश्विन भी जो है अधिकतर विकेट लेते हैं, वो भी ऑफ स्पिनर हैं, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने विकेट ली है, वॉशी ने विकेट ली है, वो दोस्तों काबिले तारीफ है। 7 विकेटें वॉशी ने जो है अपना बेस्ट स्पेल दिया है। 7 विकेटें जो ली हैं उन्होंने, आज तक कभी भी उन्होंने 4 से ज्यादा विकेटें नहीं ली थी। फर्स्ट 5 फर है उनका और फर्स्ट 7 फर है। और कितने रन देके दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 59 रन देके उन्होंने जो है ये 7 विकेटें ली हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों उन्होंने कारनामा किया है। जितने भी टॉप ऑर्डर, तो शुरू के 3 विकेटें तो जो है अश्विन लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद की 7 विकेटें जो है वॉशिंगटन सुंदर ने ली। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी दोस्तों, रचिन रविंदर को जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड किया, लेग स्टंप पे बॉल पड़ी और उनका ऑफ लेके चली गई। वो लेफ्ट हैंडर हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि उनके लेग स्टंप पे बॉल पड़ी और बाहर की ओर उनकी तरफ निकलते हुए उनको बोल्ड आउट किया। बेहतरीन, और वो भी तब जबकि वो आई थिंक 66 रन बना के गए हैं। 66 के स्कोर पे खेल रहे थे, माफ कीजिएगा, 65 के स्कोर पे खेल रहे थे, यानी कि वो जम चुके थे। न्यूजीलैंड की तरफ से आज 2 लोगों ने अर्धशतक बनाए, एक टॉम माफ कीजिएगा डेविन कॉनवे ने, और दूसरा अपना रचिन रविंद्र ने। डेविन कॉनवे ने 76 रन बनाए, रचिन रविंद्र ने 65 रन बनाए। और बहुत ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेहतरीन तरीके से उन्होंने रचिन रविंद्रन को बोल्ड किया पहले, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपने दूसरे खिलाड़ी आए थे टॉम ब्लेंडल, जो कि इनके इस वक्त विकेट कीपर भी हैं। तो टॉम ब्लेंडल को जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड आउट किया, ऑफ स्पिनर्स डिलाइट जिसको कहते हैं, उस तरीके की बॉल थी। लेग स्टंप से, मतलब समझ लिया जी, 5वें स्टंप पे बॉल पड़ी और मिडल स्टंप पे जाके किल्ली उड़ा के ले गई। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों। उसके अलावा जिसको उन्होंने बोल्ड किया वो थे मिशेल सेंटनर। मिशेल सेंटनर ने भी आज अच्छा खेल दिखाया दोस्तों। जो न्यूजीलैंड आज 259 के स्कोर पर पहुंची है, वो शायद हो सकता है 220 तक भी सिमट सकता था अगर ये मिशेल सेंटनर ने 33 रन नहीं बनाए होते। उनको भी बहुत बेहतरीन तरीके से बोल्ड किया, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं, उनको रॉन्ग वन से अपनी आउट किया पिच पे जो है, मतलब उनके, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर हैं तो उनके तकरीबन आप कह लीजिए 5th स्टंप या कह लीजिए 4थे और 5वें स्टंप के बीच में बॉल डाली और वहां से अंदर गई बॉल, तो रॉन्ग वन पे उन्होंने बहुत बेहतरीन आउट किया। कोई मतलब अता पता ही नहीं था मिशेल सेंटनर को कि ये बॉल कहाँ से आई और कैसे अंदर घुस गई। उसके बाद दोस्तों इन्होंने टिम साउदी को और इजाज़ पटेल को भी आउट किया। दोनों ही बॉल जो हैं वो बहुत अच्छी थी, हालांकि बाकी के 3 विकेटों की तरह तो नहीं थी, लेकिन गजब की थी दोस्तों। आज वॉशी की बॉलिंग देख के मज़ा आ गया, और मैं सच में जो है इसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैंने ये सोचा था कि कुलदीप यादव जो है इस पिच पर ज़्यादा घातक हो सकते हैं, लेकिन वॉशी ने हम सबको, मुझे भी, गलत प्रूफ कर दिया। एक तो दोस्तों और मैं तारीफ करना चाहूंगा आज, वो मैं तारीफ करना चाहूंगा सरफराज की। भैया सरफराज जो है
वो बहुत ही उभरता हुआ बहुत ही अच्छा बैट्समैन तो है ही, प्लस उसे गेम की समझ भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो है आज विल यंग का जो है वो एक कैच थी जो कि पंत ने ली थी डाउन द लेग साइड, और इतना महीन किनारा था, इतना महीन किनारा था क्योंकि वो शॉर्ट फाइन लेग सॉरी बैकवर्ड शॉर्ट लेग पे लगे हुए थे वो, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को वो दिखाई दे सकता था या फिर लेग अंपायर को दिखाई दे सकता था कि एज लगा है या नहीं लगा। और दोस्तों इतना महीन एज था वो कि जो बैट्समैन था उस तक को भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि मैंने एज किया है या नहीं किया। दरअसल हुआ क्या, जब वो डाउन द लेग खेलने के लिए गए तो उनका जो क्या बोलते हैं ग्लव्स होता है, ग्लव्स का जो ऊपरी भाग होता है बिल्कुल, मतलब ये समझ लीजिए 2 इंच आगे, यहाँ पे बिल्कुल बॉल जो है हल्की सी टच करके गई है 2 इंच आगे, ये देखिए। तो ये जब टच होता है ना तो बैट्समैन को कई बार पता नहीं चलता है कि टच हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि सरफराज जो है बिल्कुल सही एंगल पे खड़े हुए थे उन्होंने क्लियरली देखा। ऋषभ पंत को भी अंदाजा नहीं था, ऋषभ पंत ने भी हल्की सी अपील करी उसके बाद शांत हो गए, बट सरफराज ने रोहित शर्मा को भी मनाया और ऋषभ पंत को भी मनाया कि भैया मैंने देखा है, मैं कह रहा हूं ना कि एज लगा है, आप रिव्यू लीजिए। और रोहित शर्मा ने वो रिव्यू लिया और इंडिया को विल यंग की विकेट मिली। बहुत ही दोस्तों मैच्योर क्रिकेटर लगते हैं वो, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं तो मैच्योरिटी उनकी है, डरते भी वो नहीं है, चाहे आप उनसे पेस बॉलिंग के अगेंस्ट उनको खड़ा कर लीजिए, चाहे स्पिनर के अगेंस्ट, स्पिनर को तो एक तरह से किल ही कर देते हैं वो, तो बहुत ही बेहतरीन स्पेशली टेस्ट में दोस्तों प्लेयर मिला है। हो सकता है वो वनडे और T20 में भी कमाल कर सकें, बट टेस्ट में तो मैं मानता हूँ दोस्तों उनकी जगह बनती है। बाकी हाँ अभी क्योंकि मोस्टली वो इंडिया में ही खेल रहे हैं, अभी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह सेना कंट्रीज जो कहते हैं जिनको, वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि उनकी एक्चुअल में बैटिंग स्ट्रेंथ क्या है। हालांकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो मेंटल स्ट्रेंथ है उनकी उस हिसाब से वो पक्का वहाँ पर भी अच्छा करेंगे, तो उनकी ज़रूर मैं तारीफ करना चाहूँगा दोस्तों सरफराज खान की, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। अच्छा दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडिया टीम की, न्यूजीलैंड तो 259 पे ऑल आउट हो गई है। अब इंडिया टीम जो है वो उन्होंने बाकी के जो 11 बचे हुए, वैसे तो 8 ही ओवर बचे थे बट क्योंकि टाइम इतना था, इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए थे तो इंडिया ने जल्दी जल्दी ओवर डाल दिए थे, तो 11 ओवरों में इंडिया ने 16 रन बनाए हैं सिर्फ, और 1 विकेट रोहित शर्मा की खो दी है पहली ही बॉल पे। सऊदी की जो है रोहित शर्मा की खुद की भी पहली बॉल थी उस पर वो बोल्ड आउट हो गए। बॉल बहुत अच्छी थी नो डाउट, साउदी ने आई थिंक 14वीं या 15वीं बार जो है रोहित शर्मा को आउट किया है टेस्ट मैचेस में, तो ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है। भाई अगर अपोजिशन वाला भी अच्छा कर रहा है तो हमें उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। तो रोहित शर्मा तो आउट हो चुके हैं, अब 259 का स्कोर है, इंडिया ने सिर्फ 16 रन बनाए हैं, 243 रन पीछे है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कल अगर सरफराज खान और ऋषभ पंत नहीं चले, बाई चांस अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो इंडिया के लिए 175 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं जो है 75 रन के आसपास की, 80 रन के आसपास की लीड दे बैठेंगे न्यूजीलैंड को। ऋषभ पंत और सरफराज खान का चलना कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इंडिया किसी भी तरीके से अपना स्कोर 300 के पार लेके जा पाती है, इंडिया अगर 40, 50, 60, 70 रन की लीड ले पाती है तो एक चांस है कि इंडिया को न्यूजीलैंड को जो है टीम इंडिया लगभग लगा आप मान लीजिए 150 से अगर पौने 200 रन के बीच में आउट कर लेती है, विच दे कैन क्योंकि स्पिनिंग पिच है दोस्तों पुणे की बिल्कुल, तो 150 से पौने 200 के बीच में वो आउट कर सकते हैं, 50 रन की लीड है तो आपके पास लगभग लगभग 125 का टारगेट होगा चेस करने के लिए, तो ये मैच तीसरे ही दिन खत्म हो सकता है। अदरवाइज दोस्तों अगर इंडिया ने लीड कंसीड कर ली मान लीजिए 70, 75, 80 रन की, जैसे कि मैं कह रहा हूँ सरफराज और अगर अपने ऋषभ पंत नहीं चले, उस केस में इंडिया के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस केस में आप ये मान लीजिए कि इंडिया को 100 रन के नीचे नीचे जो है न्यूजीलैंड को आउट करना होगा और 200 रन के आसपास चेस करना होगा, 180, 185 चेस करना होगा, जो कि मुश्किल होगा इंडिया के लिए चौथी इनिंग में चेस करने के लिए। तो उस केस में भी मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि मैच जो है हर हालत में तीसरे दिन ही समाप्त हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा चौथे दिन लंच टाइम तक समाप्त हो जाएगा मैच। किसके फेवर में होता है ये देखना अभी जो है बाकी है, बट मेरी ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि टीम इंडिया जो है वो शायद कहीं ना कहीं लैग करेगी इस मैच में। हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरी बार बोल रहा हूँ कि सरफराज खान
हो सकता है जैसे वो बड़ा मशहूर डायलॉग है ना फिल्म का, थ्री इडियट्स का, सरफराज धोखा देगा। तो अगर सरफराज धोखा नहीं देता है तो शत प्रतिशत ऋषभ पंत के साथ मिलकर अगर वो अच्छी पार्टनरशिप कर लेते हैं तो शत प्रतिशत जो है इंडिया लीड ले लेगी और इंडिया जो है ये मैच जीत सकती है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। कल सेकेंड डे का मैच होगा तो उसके लिए भी वीडियो बना के आपके सामने लेकर आऊँगा, है ना दोस्तों। वैसे भी आप लोग कहते रहते हैं कि आप क्रिकेट के ऊपर वीडियो ज़्यादा डालिए, तो कोशिश अब मेरी यही होगी कि भैया क्रिकेट के ऊपर वीडियो ज़्यादा डालूँ। बाकी भी और काम चलते रहेंगे और वीडियोज़ आते रहेंगे, बट आप लोगों को क्रिकेट के वीडियो ज़्यादा पसंद हैं तो क्रिकेट के ऊपर वीडियोज़ आते रहेंगे। अच्छा, दो चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि एक तो ऑलरेडी एक न्यूजीलैंड और इंडिया का आज दूसरा मैच भी था, वो मैच था वुमेन्स टीम का। टीम इंडिया ने वहाँ पे भी जो है आई थिंक 59 रन से जो है हराया है। जी हाँ दोस्तों, 227 रन इंडियन वुमेन टीम ने मारे और न्यूजीलैंड की टीम को उन्होंने 168 पे आउट कर दिया। ये मैच था वनडे का, तो न्यूजीलैंड को उन्होंने धराशायी कर दिया है वुमेन्स टीम ने भी हमारी। और एक जो दोस्तों मैच का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसने कि T20I में, आज देखिए तीनों मैचेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट भी, वनडे भी और T20I में। तो T20I में दोस्तों जिम्बाब्वे ने कमाल कर दिया है। उनका मैच था गाम्बिया के साथ, हालांकि गाम्बिया बहुत नामी जामी टीम नहीं है, बट उन्होंने जो है कमाल किया है। जिम्बाब्वे ने 344 रन मारे हैं 4 विकेट के नुकसान पर और उनने गाम्बिया को आउट कर दिया है 54 रन। तो दोनों तरीके से दोस्तों ये एक तरीके से रिकॉर्ड बन गया है। एक तो 344 रन आज तक कभी बने नहीं थे, नेपाल के खिलाफ श्रीलंका ने जो है वो रन मारे थे 314 रन, तो वो रिकॉर्ड था दोस्तों। और सबसे ज़्यादा बड़ी जीत का भी रिकॉर्ड है दोस्तों, क्योंकि 54 पे ऑल आउट कर दिया गाम्बिया को, तो 290 रन से जीत का भी जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की तरफ से दोस्तों सिकंदर रजा ने 43 बॉल्स में 133 रन मारे, सिर्फ 35 बॉल, माफ़ कीजिएगा, 33 बॉलों में उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की और बाकी के फिर 10 बॉलों में उन्होंने 33 रन मारे। ये भी दोस्तों एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तादी वनशेवे मारा मुनि, इन्होंने 19 बॉल में 62 रन मारे हैं। क्लाइव मेंडेड ने 17 बॉलों में 53 रन मारे हैं। इस तरीके से जिम्बाब्वे का स्कोर जो है वो 344 रन चला गया। गाम्बिया की जहाँ तक बात करूँ दोस्तों, उनका सिर्फ और सिर्फ 10वें नंबर का प्लेयर जो है वही एक दहाई के आंकड़े में यानी कि 10 से ज़्यादा रन बना पाया, और वही एक प्लेयर था जो नेट आउट भी रहा। 12 बॉलों में उसने 12 रन मारे तो जाके जो है उनका 50 से ऊपर स्कोर हो पाया, अदरवाइज सबके 7-2-3-5-0 ऐसा स्कोर था। एक प्लेयर उनका दोस्तों रिटायर्ड हर्ट हो गया था, उसको बॉल लग गई थी जिसके चक्कर में कि सिर्फ 9 ही विकेटें गिरी, वो प्लेयर जो है दोबारा फिर खेलने नहीं आया, हालांकि वो भी 8th डाउन ही आया था वो प्लेयर। तो ये था दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड मैच जिसके बारे में कि मैं मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। वैसे भी तीनों एक्सपेक्ट करने कवर करने बहुत ज़रूरी हैं, टेस्ट मैच हो, वनडे हो या अपना T20I हो। तो 290 रन से हराया है गाम्बिया को और 344 रन T20I क्रिकेट में हाईएस्ट अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल कह रहा हूँ टीम का स्कोर बनाया है। तो इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।